हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्योर थ्योरेटिकल। देर इज नो नथिंग एल्स। यू विल लर्न, यू विल बाय हार्ट योर सेल्फ। सिंपली अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन विल कम टू द एग्जाम, नथिंग एल्स। ओके, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मीन्स वॉट? पहले तो ये समझ लो कि डायरेक्टरी होता क्या है। एग्जैक्टली डायरेक्टली आपका, जैसे आप लोग ध्यान से देखो, कंप्यूटर में आपके बहुत सारे फोल्डर्स बोलते हैं, तो फोल्डर इज द डायरेक्टरी। ओके, तो आपके जो कंप्यूटर है, एग्जैक्टली कंप्यूटर मीन्स आपका जो भी है हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में ही आप अपने फोल्डर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो हम लोग इस समय फाइल और फोल्डर्स की ही बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो फोल्डर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? अच्छा, एक बात दो, मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग फोल्डर यूज़ क्यों करते हो? फॉर द बेटर क्लासिफिकेशन। मतलब कि भाई, एक फोल्डर बना लिए सॉन्ग नाम का, उसमें सॉन्ग आ गए। एक फोल्डर बना लिए पिक्स नाम का, उसमें पिक्स आ गई। एक फोल्डर बना लिया स्टडी मटेरियल, उसमें स्टडी मटेरियल डाल दिया। तो एग्जैक्टली फॉर द बेटर क्लासिफिकेशन हम लोग स्ट्रक्चर और डायरेक्टरी को डिफाइन करते हैं। तो डायरेक्टरी आपकी एग्जैक्टली क्या होती है? तो पहला है आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक आपका फोल्डर होगा और जो राउंड सर्कल है, ये मैंने फाइल्स के लिए रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर क्या होंगी? फाइल्स होंगी। तो दिस इज सिंपली अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज हर स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, पहला पॉइंट, द इम्प्लीमेंटेशन इज ईजी। अगर ध्यान से देखो तो इस डायरेक्टरी में कुछ है नहीं, एक फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स, क्या प्रॉब्लम है? द टू फाइल्स कैन हैव द सेम नेम। एक फोल्डर के अंदर दो फाइलों के सेम नेम हो सकते हैं। तीसरा, द सर्चिंग टाइम फॉर द स्पेसिफिक फाइल फॉर द डायरेक्टरी विल बी मोर। हाउ इट इज पॉसिबल? ये जो मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, ये जो ए लिखा हुआ है, एप, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या है इसका डिसएडवांटेज? कैसे? मान लो कि एक फोल्डर के अंदर 1000 फाइल्स हैं। कितनी फाइल्स हैं? 1000 फाइल्स हैं। तो एग्जैक्टली 1000 फाइल को में से किसी एक फाइल को ढूंढना इज अ डिफिकल्ट टास्क। मान लो लाख फाइल्स हैं, तो लाख फाइल्स में से किसी एक जगह, एक ही फोल्डर के अंदर लाखों फाइल डाल दोगे अगर। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है, पांच फोल्डर बनाओ पांच जगह, आप लोग 10,000 टोटल फाइलें, 2,000 फाइलें डालो तब बेटर रहेगा, या एक ही फोल्डर के अंदर 10,000 फाइलें डाल दो तब अच्छा रहेगा? तो 2,000 वाला कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना, क्योंकि सर्चिंग ऑफ अ फाइल इज ईजी है ना। सो तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि द सर्चिंग टाइम फॉर अ स्पेसिफिक फाइल द डायरेक्ट सर्चिंग टाइम फॉर द एनी फाइल फॉर अ स्पेसिफिक फाइल इन द डायरेक्टरी विल बी मोर। सो ध्यान से देना, टू अवॉइड द डिसएडवांटेज, कौन सा डिसएडवांटेज? ए जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ, बी विल गो फॉर द ट्री लेवल और मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? मल्टी। तो थ्री पॉइंट आप लोग याद ध्यान रखें, इंप्लीमेंटेशन इजी, प्लीज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझते हैं। एग्जैक्टली मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेन ये होता है कि जैसे आप लोगों ने फोल्डर के अंदर फोल्डर, आप ऐसे समझ लो, मान लो आपने एक मोल्ड फोल्डर, मेन फोल्डर बनाया माई डेटा, ठीक है, और माई डेटा के अंदर आपने फोल्डर बनाया कि फोटोज है ना, सॉन्ग्स है ना, उसके अलावा मूवीज, उसके अलावा स्टडी मटेरियल, ठीक। आप इस फोल्डर के भी अंदर, अच्छा ऐसा हो सकता है ना, फोल्डर और फाइल आप लोग साथ में रख सकते हो, ऐसा हो सकता है ना कि ये पूरे फोल्डर्स आए, पहला पूरा टॉप फोल्डर और टॉप फोल्डर के अंदर दो फाइल और एक फोल्डर, उस फोल्डर के भी अंदर ये किसका फोल्डर था? अगर सॉन्ग्स का फोल्डर, आपने दो जगह फोल्डर को एक जगह फोल्डर में दिखाया कि सॉन्ग्स में भी ओल्ड सॉन्ग और उसके अंदर भी ओल्ड सॉन्ग आपने फिलअप कर दिए। हे, तो ये जो मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू लाइक फॉर द कनेक्टिविटी पर्पस, नथिंग एल्स। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर चार फोल्डर हैं, ये मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ चार पार्ट से, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर तीन फाइल और फोल्डर, इसलिए तीन, ये एक फोल्डर की तरफ जा रहा है, ये आपके नॉर्मल फाइल है, ये जो राउंड सर्कल है, दिस इज अ फाइल। तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में एक जो वहाँ ड्रॉबैक था सर्चिंग, तो सर्चिंग ईजी हो जाएगी। मीन्स इफ यू फाइंड आउट द सॉन्ग देन यू विल गो हियर, यू विल फाइंड आउट द मूवीज देन यू विल गो हियर, इफ यू फाइंड आउट द स्टडी मटेरियल यू विल गो हियर, है ना, अकॉर्डिंग टू योर नीड यू विल जस्ट गो इन टू सब फोल्डर। हो सकता है सॉन्ग्स में भी ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, लेटेस्ट सॉन्ग, मूवीज में ओल्ड मूवी, न्यू मूवी, स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल को आप ब्रेक कर सकते हो किसमें, कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ऑटोमेटिक है, ये नेटवर्क्स का, इस तरीके से फोल्डर बना सकते हो। तो हमेशा ध्यान देना, जो लास्ट लेवल होता है आपका, कहीं ना कहीं उसमें फाइल्स होती हैं। देखो लास्ट लेवल में क्या है? फाइल्स मे बी ब्लैंक भी हो सकता है फाइल, जैसे ये मैंने ब्लैंक दिखाया, यहाँ आपकी फाइल है, ठीक है, ये बात समझ में होपफुली आप लोगों को आ गई होगी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल ट्री डायरेक्टरी। तो एग्जैक्टली इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग अगर ध्यान दो तो इसका इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट होने वाला है, टू मैनेज द हायरार्किकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डेफिनेटली कोडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। द सर्चिंग टाइम फॉर अ स्पेसिफिक फाइल विल बी लेस, व्हाई? बिकॉज लाइक जिस टाइप की आपको, जिस
टाइप में आपने कैटेगराइज किया पर्टिकुलर सी फोल्डर के अंदर, बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ अ फाइल, फायदा हो गया। अब ध्यान से ड्रॉबैक देखो, इफ द सेम फाइल एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट डायरेक्टरी, मतलब मान लो एक ये फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर ये एक फोल्डर ये, कि सेम नेम की फाइल है, यहाँ भी फाइल है, ठीक है। देन इफ वन फाइल, एक फाइल में आपने सेम फाइल है, मतलब मान लो कि आपने कहा कि सेम फाइल के दो कॉपी बनाए, आपने एक इस फोल्डर के अंदर बनाए, एक इस फोल्डर के अंदर बनाए, है ना। इफ वन फाइल अपडेटेड, आपने कहा कि मैं एक फाइल को प्रोग्राम के थ्रू, जैसे फाइल हैंडलिंग होती है ना, फाइल हैंडलिंग में आप पर्टिकुलर किसी एक फाइल को डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इफ वन फाइल इज अपडेटेड द अदर फाइल इज ऑल्सो अपडेटेड अकॉर्डिंगली, अदरवाइज देर विल बी अ कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप चाहते हो कि मैंने, मान लो कि आपने अपने बारे में एक रिज्यूमे तैयार किया, एक रिज्यूमे की दो कॉपी बनाई आपने, और दो कॉपी को एक फोल्डर में, दूसरी कॉपी को दूसरी फोल्डर में, फाइल हैंडलिंग के थ्रू आपने एक कॉपी को अपडेट किया, तो अकॉर्डिंगली आप चाहते हो कि दूसरी फाइल भी अपडेट होनी चाहिए, वरना क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक जगह आप कह रहे हो कि आपने एमटेक कर लिया, एक जगह कह रहे हो आप पीएचडी कर रहे हो, तो डेटा दोनों ही जगह या जितनी भी उसकी कॉपी हर जगह अपडेटेड होना चाहिए, तो इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। तो देयर इज अ थर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसका नाम है आपका असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर। क्या नाम है? असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर। ये भी एज इट इज ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, फोल्डर्स, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स, उसके अंदर फाइल, फाइल, फोल्डर्स, नथिंग एल्स। तो एक मेन डायरेक्टरी, ये सब डायरेक्टरी, ये सब डायरेक्टरी, इसी तरीके से आपका ये पूरा डायग्राम जो है सेम एज इट इज ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान से, इसका नाम है असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर। तो इसमें एग्जैक्टली फायदा क्या हो रहा है, देखो फायदा ये है, अब एग्जैक्टली ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बस आप इतना समझ लो कि मान लो जिस रिज्यूमे की मैं बात कर रहा था अभी, एक रिज्यूमे आपका इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर यहाँ स्टोर है और एक रिज्यूमे यहाँ स्टोर है, तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। फाइल शेयरिंग ये कहती है कि अगर आप एक जगह किसी मेन डायरेक्टरी के अंदर, दो फोल्डर के अंदर अगर एक जगह आप अपडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दूसरी जगह फाइल शेयरिंग की हेल्प से दूसरी जगह भी अपडेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फाइल शेयरिंग कॉन्सेप्ट यू कैन लर्न बाय योरसेल्फ, नॉट नीडेड एक्चुअली। द इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट एज इट इज ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सर्चिंग फाइल विल बी लेस, बेटर क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी, एंड थर्ड इफ द सेम फाइल एग्जिस्ट इन द टू डिफरेंट डायरेक्टरीज, मीन टू डिफरेंट फोल्डर, देन इफ वन फाइल इज अपडेटेड द अदर फाइल विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग द फाइल शेयरिंग कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द थ्री फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड यू नो द पॉइंट्स। पहला आपका क्या था, सिंगल, दूसरा मल्टी लेवल, तीसरा असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर। कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, प्लीज़ थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं मैंने थ्योरेटिकली थोड़ा सा आइडिया दे दिया, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। थैंक यू।